शायद विधानसभा के लिए बहुत हर्ष का समय है कि आपको एक नहीं, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ के काम आपको हमारे एसओसी मुख्यमंत्री और हमारे महाराज साहब ने आपके भांडर विधानसभा को दिए। मैं महाराज का हृदय से बहुत बहुत मैं उनका आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ और उनका सभी लोग हस्त तालियों से उसका महाराज का स्वागत करें। 70 साल के इतिहास में जो इतनी सौगातें थी, शायद मैं 14-15 महीने से मैं और रक्षा दोनों हम लोग भीख मांग रहे थे, जो कमलनाथ जी ने मुझे एक भीख में एक कौड़ी भी मुझे नहीं डाली, जो आज मुझे 3 महीने में आपके मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने और हमारे श्रीमान सिद्धिया जी ने हमको आज 2 करोड़ आपकी भांडर की मेरी झोली में डाले हैं, इसलिए मैं महाराज आपका बहुत कृतज्ञ बहुत बहुत आभारी ऋणी हूँ। महाराज मैं आपको पूर्व का दृष्टांत सुना देता हूँ। जब भी मैंने कमलनाथ जी से मांगा तो कमलनाथ जी ने कहा चलिए चलिए, 24 से 25 घंटे नहीं होते। महाराज मेरी वेदना, मेरा किसान बिजली से परेशान था, मेरा किसान पानी से परेशान था। महाराज मैं आपको सत ब्याह करा रहा हूँ। महाराज ये कहते थे कि संतराम मैंने तेरे को एमएलए तो बना दिया, अब तू मेरी सुत नहीं लेता है, मेरी फसल सूख रही है, मेरा खून सूख रहा है। और महाराज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं महाराज कि ये मेरी किसान मेरा से कह रहा था महाराज कि संतराम ये मेरी धान सूख रही है। महाराज मैं कहता था कमलनाथ जी से कि मेरी धान सूख रही है, मेरे किसानों का खून सूख रहा है, मुझे कम से कम बिजली तो दे दो, मेरे दो पीटीआर दे दो। लेकिन महाराज मेरी 14 महीने में 15 महीने में एक भी महाराज कमलनाथ जी ने नहीं सुनी। जो आपने मुझे 3 महीने में मेरे किसानों का खून सूख रहा था महाराज, जो आपने खून सूखने से मुझे बचाया, मैं महाराज मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ। मैं शिवराज सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री का बहुत ऋणी हूँ, जो मेरे महाराज मेरे किसानों का खून सूख रहा था महाराज, ये धान्य की वृद्धि इनका किसान सूख रहा था, क्योंकि मेरे आज भांडे विधानसभा में कोई भी उद्योग नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिससे मेरे भांडे के किसान अपनी जीवन यापन कर सके। केवल एक ही मेरे किसानों का बात धंधा है, वो खेती है महाराज, वो खेती से महाराज मेरा किसान चल रहा था मेरा, और इन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुना। जो महाराज आपने मुझे आप आज मुझे भांडर में 100 मेगावाट बिजली थी, वो आज महाराज आपने मुझे 200 मेगावाट बिजली दे दी, इसलिए मेरा किसान आज जी रहे थे। फसल के कारण जो बच जाएगा महाराज बच जाएगा, ये मेरे महाराज मेरे किसानों की वेदना थी कि संतराम मेरा खून सूख रहा है, मेरा खून सूख रहा है, मेरा खून सूख रहा है। आप कमलनाथ जी को बताते नहीं हो महाराज, मैं 15 महीने से मैं और रक्षा दोनों भीख मांग रहे थे, जो आज तक भी मेरे किसानों को उन्होंने 1 पैसा नहीं दिया। महाराज आपने जो मुझे सौगातें दी है, जो आपने इस भांडर को विकास दिया है, मैं इसलिए आपका बहुत बहुत कृतज्ञ और मेरी भांडर विधानसभा के सारे लोग बहुत बहुत ऋणी है। महाराज आपने 17 करोड़ 85 करोड़ की आपने मेरे भांडे विधानसभा में नल योजना दी है, जिससे मेरे किसान मेरे गांव वासियों को पानी शुद्ध पेयजल मिलेगा। मैं महाराज बहुत आपका ऋणी हूँ। आपने मेरे को आशेर गुड़ा ललुआ नयगा उनाव परासरी चिलौरी दुसरा कुसौली बीकर इमलिया सेमई खिड़िया आलम राम ने सत्ता पड़ी करा कमरापुरी बरका डोंगवा चांदी सोड़ा भरका तैतला त्रणोर गुदाहा बाकुरा राखरा तौड़ बिछोंदा उड़ीदा चंद्र पुपरुगा करा बड़ा सोपन भरौली अस्टोट भिटारी ससई सालोनवी में 17 करोड़ 85 लाख की आपने नदिया योजना मुझे दी है। महाराज मुझे और मैं माननीय दादा नरोत्तम मिश्रा जी का भी आभारी हूँ। महाराज आप सबका आभारी हूँ, जो आपने 25 साल पुराने जो बड़े महाराज ने हमारे यहाँ एसआर प्लांट स्वीकृत किया था, जो उस एसआर प्लांट का भी आपने कार्य शुरू करा दिया है, और जो एक करोड़ का नहीं 2 करोड़ का नहीं ये 700 करोड़ का काम शुरू करा है, जिससे मेरे बेरोजगार मेरे भाई थे उनको भी रोजगार प्राप्त होगा। महाराज मेरे भांडर के 70 साल से एक भी मेरे महाराज 70 साल से मेरे यहाँ के किसी भी युवाओं को किसी भी छात्र छात्राओं को खेलने का मैदान नहीं था, जो महाराज हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने और हमारे माननीय महाराज साहब ने जो आपको 1 करोड़ 20 लाख का जनपद पंचायत अंतर्गत आपको कहना जो है
स्टेडियम दिया है जो आज के लिए एक बहुत बड़ी हमारे छात्रों के लिए और छात्र छात्राओं के लिए, युवाओं के लिए खेलने के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है महाराज आपने। आपने महाराज 22,42,00,000 की हमारे यहाँ 53 गौशालाओं दी है। आपकी बीकर, उड़ाव, कामत, गुलमऊ, बसवा, खिड़िया, खोंगू, चिरौली, तैतना, सुनारी, लाल हवेली, पंडोखर, बागपुरा, बेरत, जलपतपुर, बुछौना, सलेतरा, बराना, ततारपुर, कुथौली, मुस्तरा, डोरी, खिड़िया, आलम, सिंहपुरा, बड़ा सोपान, रामनहर, कुसौली, नदाई, राधापुर, रिचार, खिड़िया, खोंगू, सुनाई, आसर, ललुगा, आपने महाराज इतनी सारी, इससे भी ज्यादा है जो आपने मुझे 59 काना जो है 22 करोड़ की आपने काना गौशाला दी, जिससे मेरे गौ की जो है जो सुरक्षा और रक्षा होगी। महाराज महाराज मुझको लोक निर्माण विभाग से भी महाराज आपने जो हमारे ऐसे रोड थे जो जौरा से चर्रा घोड़ा खिड़िया बड़ेरा मार्ग जो 3,05,00,000 का आपने महाराज स्वीकृत किया, जो कभी हम लोग हमारे किसान भाई कभी भी काना जो है बाजार नहीं कर पाते थे, जो बीच में नाला और नदी पड़ती थी जिससे हमारे किसान भाई कई हमारे बीमारी में उस नाले में बह जाते थे, जो महाराज आपने एक बहुत बड़ा मेरे लिए रोड दिया है। आपने सेवा से चराई दिया है मुझे तो 3 करोड़ का, तालाब से नया का परसों का गुजर 2,43,44,00,000 का दिया है, सुकल्याण से बरचौली आपने 3 करोड़ का दिया है, जनकपुर से 1,12,00,000 का दिया, परासी से स्वतंत्रपुरा आपने 1,64,00,000 का दिया है, धनौरी से धर्मपुरा 2,50,00,000 का दिया, कोला से सरसई पाड़िया मार्ग सुकेटा 3 किलोमीटर आपने 2 करोड़ का दिया है, पावर हाउस भांडर मुख्य मार्ग में बड़ा सोपान मार्ग से आपने 70,41,000 का दिया, धनपुरी से ढेबरपुरा 73,47,000 का दिया, धनपुर दरियापुर से सासुती मार्ग 2,59,00,000 का दिया है, खड़खड़ा से बगदई आपने 1,90,00,000 का दिया है, उड़ीना से फतेहपुर मार्ग आपने 2,41,00,000 का दिया है, जिसके महाराज आपने भूमि पूजन और दो किए हैं, मैं आपको नाम दिला रहा हूँ और आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि ये मात्र आपके आज महाराज ने और आपके मुख्यमंत्री ने आदरणीय दादा ने जो भूमि पूजन और लोकार्पण कर दिया है, जो आपके काम कल से शुरू कर देंगे, जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आपको पटरा से आसर, सरसई से माधव बाबा, भिंडलार से केवलारी, बड़ेरा से खिड़िया, पूरनपुरा से और आपका नया गांव होते हुए परसौदा, दरियापुर से सासुदी, उड़ीना से फतेहपुर, मैतपुरा से बगदई, परासरी से स्वतंत्रपुरा, जनकपुर से एकारा, अकोला से राव सुकैटा, भरौली से श्यावरी, धनपिपरी से डबरपुरा, पावर हाउस भांडर मुखमा से बड़ा अशोपान, ये आपको इतने सारे रोड जो आपको दिए हैं। आपका नवीन आईटीआई जो महाराज 70 साल से हमारे यहाँ औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र नहीं था, जो महाराज 70 साल का आपने इतिहास मेरे लिए, हमारे बेरोजगारों के लिए आपने औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र 11 करोड़ की आपने बिल्डिंग हमको भवन दी महाराज। महाराज ये आपके जो रपटा थे महाराज, आपने हरदई से तलैरा रपटा आपने दिया है, बड़कचारी से भिंडवा रपटा दिया है, उनाज पहुंच नदी पर आपने देखा होगा महाराज डेड बॉडी ले जाते थे, उसके साथ दूसरी हमारी डेड बॉडी जाती थी जो उस नदी में बह जाते थे, जो एक बहुत बड़ी काना हमारे लिए हमारे वहां की उनाव की मांग थी, जो उनाव से पहुंच नदी रपटा आपने महाराज उसको भी काना उसका भी भूमि पूजन कर दिया है, घोड़ा खड़िया का रपटा भी का भूमि पूजन किया है, डाना रपटा निर्माण का भी भूमि पूजन किया है, घोंगो खिड़िया रपटा का भी किया है, पाली स्टैम, डांडा स्टैम, उनाव स्टैम, डम घोड़ा स्टैम, ये आपके पूरे 16,52,00,000 के आपके काम दिए हैं। आपके आपके 145 हैंडपंप दिए हैं जो पानी के लिए आपको उससे ज्यादा भी आप महाराज, ये मेरी कुछ आपसे मांग भी है कि जो हमारे सालोन बी में और उनाव में हमारे कैंप, ये भांडे डिग्री कॉलेज है, सिर्फ मैं 4,500 स्टूडेंट है और हमारे यहाँ माध्यमिक ये हमारा जो महाविद्यालय है वो उसमें इतनी व्यवस्था भी नहीं है, इसलिए हमें हमेशा हमारे यहाँ उनाव में और सालोन बी में हमेशा मांग होती रही है कि हमको उनाव में महाविद्यालय और सालोन बी में भी महाविद्यालय हमको दिया जाए, ये मेरी विशेष मांगे हैं महाराज। उसमें विधि और वाणिज्य संघ और नवीन कृषि महाविद्यालय, तो हमारे अभी दादा ने भी कृषि महाविद्यालय हमारे दतिया जिले में हमारे परम सम्मानीय नरेंद्र सिंह तोमर से स्वीकृत करा है, जो हमारे भांडर क्या पूरे जिले को उस कृषि महाविद्यालय से लाभ मिलेगा।
मैंने भांडर विधानसभा में आपके 19 सामुदायिक भवन आपको दिए हैं पास, और आपकी उप तहसील उनाव साधन भी में भी महाराज ये काफी लंबे समय से मांग है, ये भी आपको हमारे को उप तहसील साधन भी में और उनाव में हमको चाहिए। आपने महाराज हमारे पास पीटीआर स्वीकृत किए हैं जो आपका उड़ीना तालगांव और आपका बंडोकर और आपका बीकर और आपने भांडर में जो हमको 5 पीटीआर स्वीकृत दिए हैं महाराज। हमारे नंदी प्रसाद राष्ट्र भी आपने जो हमारे यहाँ पार्क नहीं था जो जिसको 2 करोड़ की आपने महाराज आज भूमि पूजन किया है। हमारे शमशान घाट हमारे भांडर में नहीं था जिस शमशान घाट के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने 50 लाख दिए हैं जो भूमि पूजन किया है। 2 करोड़ आपके मेला ग्राउंड स्थायी मंच एवं भवन निर्माण के लिए दिया है। सोन तलैया का सौंदर्यीकरण के लिए 2 करोड़ आपको प्राप्त हो चुका है। आपको फिल्टर प्लांट के लिए भी पार्क जो बनेगा उसको भी 99 लाख को हमको मिले हैं नगरीय प्रशासन से, और आपके सुदूर सड़कें भी आपको घनश्यामपुर से चांदनी, बसवा से विजनपुरा, कर्रा से नौकुआ, सरसई से ततारपुर, बोहरा से गोमक्रिया, गोमक्रिया से चिरौली, कुमरिया से रिछार, पथर्रा से सिंहपुरा, गोपीक्रिया से चांदपुरा, भिटारी से कुटीर, सरकारदुर से नावगढ़ा, जड़ोत्तर, रामगढ़ से दसवार, धनपिपरी से शासकीय मध्य विद्यालय धनपिपरी, पूजा से कुरगांव, सोड़ा से गोदन, सरसई से मैं निश्चित रूप से महाराज मैं इस पूरे भांडर विधानसभा की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का महाराज आप सबका मैं बहुत ऋणी हूँ जो मुझे भांडर में जो 70 साल में जो आज तक जो मुझे विकास नहीं हुआ जो आज आपने मुझे भांडर विधानसभा के लिए दिया है मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। और महाराज अभी तो आपने मेरी 100 मेगावाट थी अभी 2 से कर दी है, अभी मुझे 100 मेगावाट बिजली और चाहिए तब मेरी पूर्ति होगी। अभी मुझे 3 सदका और आपका कड़खड़ा कामक और पिपरगुआ मुझे 5 सब स्टेशन और चाहिए महाराज तब मेरी आपकी। और एक मेरी भांडर विधानसभा की मांग है महाराज कि हमको एक यहाँ पे गन्ना मिल उद्योग स्थापित किया जाए, ऐसी मेरी महाराज सभी लोगों की मांग है जो मुझे विश्वास है कि महाराज मेरे भांडर विधानसभा में गन्ना की फसल बहुत दिखोने लगी है जिससे हमारे किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मैं ऐसी महाराज आपसे अपेक्षा करता हूँ। मैं महाराज पुनः आपका बहुत 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 धन्यवाद। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूँ मध्य प्रदेश शासन के मंत्री महिला बाल विकास विभाग माननीय श्रीमती इमरती देवी जी सुमन, कृपया आए।